ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, और मत करो, सबकी अब बहुत सारी चीज़ें हैं, मतलब गाने पुश होते हैं। एक तरफ लोग कहते हैं कि हेट मत फैलाओ, किसी के लिए गलत मत बोलो, और दूसरी तरफ वही लोग सोशल मीडिया पर लाइव आते हैं और कुछ ऐसे ही नेगेटिव बातें करते हैं। वेल दोस्तों, ये हमारे कहने नहीं है, ये कहने हैं कुछ फैंस के। दरअसल हुआ ये कि जो नेगेटिव पीआर की बात चल रही है एल्विश यादव और अभिषेक मल्हान के बीच, जहां एल्विश यादव के फैंस का कहना ये है कि ये नेगेटिव पीआर एल्विश के लिए अभिषेक मल्हान ही चला रहे हैं, तो वहीं अभिषेक मल्हान के फैंस का कहना ये है कि 25 लाख रुपए देकर अगर वो नेगेटिव पीआर एल्विश के लिए चलाते, इससे अच्छा वो अपने नाम को बढ़ाते ना, फुकरा इंसान ऐसा कभी कुछ कर ही नहीं सकते। लेकिन अब इन्हीं सब के बीच एक और शख्स ऐसे होते हैं जो कि इस कंट्रोवर्सी में कूद पड़ते हैं, और वो कोई और नहीं बल्कि बेबिका है। जी हाँ दोस्तों, बेबिका ध्रुवे जो कि बिग बॉस के घर में नजर आई थी एज ए कंटेस्टेंट, जो कि बिग बॉस के घर में एल्विश यादव और अभिषेक मल्हान दोनों के साथ ही गेम खेलती नजर आई थी, और यहाँ वो एक ऐसे शख्स के साथ लाइव आती है जिन्हें शायद कोई जानता भी ना हो। यहाँ वो अपने किसी दोस्त के साथ लाइव आकर ये चर्चा कर रही है कि अभिषेक मल्हान ने ही एल्विश यादव के लिए नेगेटिव पीआर फैलाई है। यहाँ तक कि मनीषा रानी को भी उन्होंने शामिल कर दिया इस नेगेटिव पीआर फैलाने के मामले में, जबकि मनीषा रानी का तो दूर दूर तक कोई नाम भी नहीं था। और आपको बता दें कि एल्विश यादव ने एक बार भी अभिषेक मल्हान का नाम नहीं लिया, उन्होंने ये जरूर कहा कि मैं उस शख्स को अच्छे से जानता हूं जो भी नेगेटिव पीआर फैला रहा है। लेकिन अब देखा जाए तो बेबिका को तो इस कंट्रोवर्सी में कूदने की जरूरत ही नहीं थी, लेकिन अब जाने वो किस मकसद से यहाँ आई है और क्यों इस कंट्रोवर्सी का हिस्सा बनना चाहती है, ये तो बेबिका ही जाने। लेकिन आपका क्या कहना है हमें कमेंट सेशन में जरूर बताइएगा, और इसी तरह से बने रहिएगा हमारे साथ और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।